अवेसी का काम है हिजाब पहनाना, अवेसी का काम है निकाह करवाना जब औरत को पीरियड्स हो जाए, लड़की को पीरियड्स हो जाए उसी वक्त, क्योंकि वो बार बार बोलता है ना एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का काम है औरतों को घर में बंद रखना, लेकिन वहीं पर जब आप अवेसी की बेटियों को देखिएगा तो भाई साहब, कांग्रेस का एक फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस की एक नीति थी कि मुसलमानों को ये बताओ कि हिंदू से तुमको खतरा है और हिंदू जो है वो तुम्हारे दुश्मन है, ये कांग्रेस हमेशा करता आया। हालांकि कांग्रेस ने अपने उस फॉर्मूला में कभी भी मुसलमानों का अच्छा नहीं किया, मुसलमानों को शिक्षा की तरफ कभी राकिब नहीं किया, मुसलमानों को शिक्षित होने कभी भी नहीं दिया। कांग्रेस ने एक टीम बनाई, कौन कौन आतंकी है, कौन कौन जंगजू है, कौन कौन जिहादी है, कौन कौन रेपिस्ट है, कौन कौन गैंगस्टर है, देवबंद जमात दारुल उलूम जो चला रहा है वो फितर ज़कात पर और सरकार को गालियां देकर के, सरकार से पैसा लेकर के, जो 2023 में एक बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था, बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था, मतलब लाखों लाख ऐसे बच्चों के नाम से सरकार से पैसा लिया जा रहा था जो बच्चे थे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है, जो कि भारत की बेटी नाजिया इलाही खान हाई कोर्ट के वकील हैं और उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से शोएब चौधरी भाई, जो आज की वीडियो में बहुत अच्छी बातचीत होगी, बहुत ही जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही नई नई हम आपके लिए लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कांग्रेस का एक फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस की एक नीति थी कि मुसलमानों को ये बताओ कि हिंदू से तुमको खतरा है और हिंदू जो है वो तुम्हारे दुश्मन है, ये कांग्रेस हमेशा करता आया। हालांकि कांग्रेस ने अपने उस फॉर्मूला में कभी भी मुसलमानों का अच्छा नहीं किया, मुसलमानों को शिक्षा की तरफ कभी राकिब नहीं किया, मुसलमानों को शिक्षित होने कभी भी नहीं दिया। कांग्रेस ने एक टीम बनाई, कौन कौन आतंकी है, कौन कौन जंगजू है, कौन कौन जिहादी है, कौन कौन रेपिस्ट है, कौन कौन गैंगस्टर है, उसकी एक टीम बना करके उसको फलाया फुलाया और उसको रोटी बोटी दे करके एक पॉकेट वोट मुसलमानों का अपने पॉकेट में रखा। हिंदुओं के साथ क्या किया कांग्रेस ने कि उनको उनकी सिविलाइजेशन से दूर कर दिया, उनको उनके गुरुकुल से दूर कर दिया, उनको उनकी सभ्यता और संस्कार से दूर कर दिया, उनको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में रागिब करने की कोशिश कर दी कांग्रेस ने, और उसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो खेलते चले गए और इतने साल वो यहाँ पर जम करके भारत को अपने अपने बाप की जागीर समझ करके गांधी परिवार बैठे रहे। लेकिन अब क्या हुआ है, मुसलमान अपनी अपनी सभ्यता अपनी सिविलाइजेशन को मानो, हिंदू सनातन धर्म ये घमंड करो कि तुम सनातनी हो, क्रिश्चियन तुमको प्राउड होना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन सब मिल करके भारत को बहुत अच्छे से उसकी सभ्यता को मानना होगा, उसके सिविलाइजेशन को मानना होगा और भारत को अपनी माता हर कोई माने तो सबसे ज्यादा बेहतर बेहतर होगा। उसी की एक जिंदा मिसाल हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक कश्मीरी लड़की ने बहुत खूबसूरत भजन गाया था, मैंने आपके साथ ही वो सेशन किया था, तब उस वक्त भी मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा था कि एक कश्मीरी लड़की ने बहुत खूबसूरत भजन गाया है। उसके बाद फिर हमने अरब में देखा, आप अबू धाबी खुद गए थे कि वहां पर 27 एकड़ की मंदिर बनी और इतनी खूबसूरत मंदिर बनी है कि शायद आपकी भी आंखें फट गई होंगी। उसके बाद फिर इस सभ्यता का सिविलाइजेशन का हम लोगों ने जो गिव एंड टेक है वो बहुत सारे मुल्कों में हम देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिन में आपको सुनाई देगा कि खतर में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है, हो सकता है कि आपको 2024 के अंत तक सुनाई देगा कि ईरान में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको, हो सकता है कि आपको सुनाई देगा कि दुबई में एक और बहुत बड़ी भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और नींव जो है वो मोदी जी जो है वो इस लोकसभा इलेक्शन के बाद रखने वाले हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। एक और बच्चे के बारे में मैं शोएब आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, एक बच्चा है 4 साल का, वो जब फ्लाइट पे बैठता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और अध्याय पढ़ते हुए बैठता है, वो जब किसी कैमरा के सामने आता है तो वो छोटा सा 4 साल का बच्चा ए फॉर अर्जुन और बी फॉर भगवद गीता बोलता है, मतलब हम लोग ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़े हैं, उसकी माँ ने उसको ए फॉर एप्पल और बी फॉर भगवद गीता पढ़ाया है, मतलब ऐसे अल्फाबेट को पढ़ाया है। अब तुम सोचो कि जब एक 4 साल का बच्चा अपने सनातन धर्म के लिए इतना डिवोटी हो सकता है और मुझे प्राउड हो रहा है उस माँ पर, जिस माँ ने
जिस माँ ने उसको ऐसी ऐसे संस्कार दिए हैं, और एक मुसलमान है जो आज भी मदरसे के लिए किसी को काट रहा है, किसी को मार रहा है, आज भी मुसलमान घर के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल काबिल नहीं है अपने खुद के बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए। मुसलमानों को आज भी ऐसा एहसास होता है कि मेरे बच्चे मदरसा जाकर के ये पढ़े कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। मुसलमान घर के माँ बाप जो है वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल क्या है, हम अशरफुल मखलूकात कैसे बने, हमको मोमिन और मोमिनात कैसे बनाया गया, कुरान में कितने सजदे हैं, कुरान में कितनी आयतें हैं, कुरान में कितनी बार रुकू है, ये सारी चीजें हमें मदरसे में पढ़ने की जरूरत है क्या? क्या हमारे माँ बाप हमें हमारी दीनी तालीम दिलाने के लिए काफी नहीं है क्या? मुझे तो लगता है काफी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कितना खूबसूरत है सनातन धर्म, कितना खूबसूरत है। पटना में एक छोटे से जगह पर हनुमान मंदिर है। जब आपने भगवत गीता की बात छेड़ी है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। पटना में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, वो छोटी सी जगह का हनुमान मंदिर 5 अस्पताल चला रहा है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वत्सल्य संस्थान। अब आप सोचो कि एक छोटा सा हनुमान मंदिर वो 5 अस्पताल चला रहा है। अब आप मुझे बताइए कि भारत का कौन सा मस्जिद 5 स्कूल और 5 अस्पताल चला रहा है? चलिए ठीक है, आप अपने पाकिस्तान का बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा मस्जिद 5 स्कूल और 5 अस्पताल चला रहा है? नहीं चला रहा है। नादिया जी देखें, ये आपका एक्सपीरियंस है, और दो चीजों पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री के हवाले से, पास्ट को लेके जो आपने बोला कि कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन पहले मेरा भी थोड़ा कंसेप्ट यही था कि शायद इंडिया जो चेंज हुआ है इन्हीं 5-10 सालों में चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जब मैं इंटेलेक्चुअल से मिला या कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुने तो फिर मेरी थोड़ी सी सोच बदली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक आपने ये बोला कि भाई कोई इंडिया में ऐसा मदरसा कुछ ऐसा दिखा दें कि जो 5 हॉस्पिटल या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट चलाता हो, तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा देखा तो सोशल मीडिया पे मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि जो अवैसी असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वो चला रहे हैं, बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये आप बेहतर बताएंगी कि वहां पे ऐसा है या नहीं। मैंने ये सुना है, और देखने वाले भी जरूर बताइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसा है या नहीं। जी ऐसा तो मैं पहले इसको, क्योंकि अवेसी का नाम आ गया है ना, तो मैं पहले इसको जरूर क्लियर करना चाहूंगी। दियोबंद जमात दारुल उलूम जो चला रहा है वो फितरे जकात पर और सरकार को गालियां दे करके, सरकार से पैसा लेकर के, जो 2023 में एक बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था, बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था, मतलब लाखों लाख ऐसे बच्चों के नाम से सरकार से पैसा लिया जा रहा था जो बच्चे थे ही नहीं। जी जी, बच्चे थे ही नहीं। अब आती है अवेसी की बात। जब भी कभी जिंदगी में शोएब आप भारत आइएगा तो मैं आपको हैदराबाद लेकर चलूंगी। हैदराबाद की बेटियां, मुसलमान बेटियां रो रही हैं, हैदराबाद की मुसलमान बेटियां सुसाइड करने वाली हैं। मैं गई हूं ना, क्योंकि वहां पर एडुकेशन पर कोई काम अवेसी ने नहीं किया है। दूसरी तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अवेसी कोई देश का नेता नहीं है, अवेसी एक क्षेत्र, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दैट्स इट। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप जाइएगा तो कचरों का ढेर मिलेगा, गाय का गोबर मिलेगा, और साथ साथ आपको सारे बच्चे, मुसलमान बच्चे, अगर चड्डी है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो चड्डी नहीं है, मुसलमान बेटियों के शरीर पर आपको नकाब तो मिलेगा लेकिन उनकी जहानत, उनका एडुकेशन आपको नीलबट्टा सन्नाटा मिलेगा। अवेसी जिस कदर औरतों से नफरत करता है, अवेसी जिस कदर औरतों से घिन करता है, और खास करके तमाम मजहब की औरतों से घिन करता है, वो कभी भी अपने भी मजहब की मुसलमान बेटियों को पढ़ने दे ही नहीं सकता, क्योंकि अवेसी का काम है हिजाब पहनाना, अवेसी का काम है निकाह करवाना जब औरत को पीरियड्स हो जाए, लड़की को पीरियड्स हो जाए उसी वक्त, क्योंकि वो बार बार बोलता है ना एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का काम है औरतों को घर में बंद रखना, लेकिन वहीं पर जब आप अवेसी की बेटियों को देखिएगा तो भाई साहब, हॉलीवुड की जो हीरोइन है वो फेल है अवेसी की बेटियां, लेकिन हम जैसी बेटियों के लिए वो कहता है नहीं हिजाब पहनो, नहीं 12 साल में निकाह कर लो, नहीं निकाह मुक्ता होना चाहिए, नहीं निकाह मसियार होना चाहिए, नहीं हलाला होना चाहिए, नहीं पॉलीगेमी होना चाहिए, एक मुसलमान
जेल में रखा है। तो अवेसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अवेसी जितना बड़ा झुट्टा लुच्चा पॉलिटिशियन मैंने तो कभी नहीं देखा है। वो एकदम पाकिस्तान में फिट होता है, एकदम पाकिस्तान में फिट होता है वो। नाज़ी इलाही खान जो जो इस टाइम स्टेटमेंट दे रही हैं, जो बात कर रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उस हवाले से आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और उन्हीं की एक स्टेटमेंट मैंने आपकी जो असेंबली जिसे आप लोकसभा आई थिंक बोलते हैं उनमें, उसमें मैंने सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हमने तलवार से नहीं, हमने कलम से लड़ना है, कलम से मुकाबला करना है, यानी एजुकेशन को के हवाले से वो बात करते नजर आ रहे थे। तो मैं वही बात करूंगा जो मैंने, वही अवेसी और वही अवेसी शोएब, अब मैं रुकूंगी नहीं, और वही अवेसी शोएब मंच सजा करके अपने मंच से कहता है ओ मोदी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर बताएंगे 82.7% सनातनियों का सर तन से जुदा कैसे होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में तेलंगाना में जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था तो उसके भाई ने क्या कहा था, किसी के बाप की औकात नहीं है जो मेरी स्पीच को रोक दे, अभी एक इशारा कर देंगे तो पुलिस पैन गेली करके भागेगा। और ऐसी कई मिसालें हैं जो जोड़ा अवेसी दोनों भाई हमेशा हिंदुओं को तो ऐसे गाली देते हैं जैसे हम लोग खीरा मूली खाते हैं, वैसे गालियां देते हैं वो सनातन धर्म वाले को। और वो कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, वो मोदी बोलते हैं, मोदी जी। ये मैंने बिल्कुल, ये भी मैंने चीज सुनी है नाज़िया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही जानकारी प्राप्त हुआ होगा। नाज़िया इलाही खान ने जो बात कही और शोएब चौधरी ने जो सवाल किया उस पर जवाब दिया नाज़िया इलाही खान, और हमारे भारत देश के बारे में क्या क्या बताई आपको उस पर तो खुशी होगी। हो दोस्तों नाज़िया इलाही खान एक ऐसी वकील हैं कि जो बहुत ही जानकारी उनको हमारे देश के बारे में, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप इनके एक कमेंट करिए इनके लिए सुंदर सा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।